हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइस, हम बहुत दिनों से AEW के अपडेट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आज सोचा कि क्यों ना हम AEW के किसी और टॉपिक के ऊपर बात करें। इसीलिए हम हमारी इस AEW की डिड यू नो सीरीज की अगली वीडियो में AEW की कुछ अंदर की बातों को डिस्कस करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम AEW के 10 रेसलर्स और AEW के कुछ एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि AEW के इन रेसलर्स और इन एम्प्लॉयज के AEW कंपनी के साथ कितने लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जो बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। पर जिसे किसे नहीं पता कि हमारी AEW की डिड यू नो सीरीज क्या है, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइज हमारे चैनल के AEW की डिड यू नो सीरीज में हम AEW के कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि प्रोबेबली आपको नहीं पता होंगी, जिसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं AEW के 10 रेसलर्स और एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स और उनके एक्सपायरी डेट्स। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW कंपनी में बहुत सारे रेसलर्स और बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, पर हाल फिलहाल में AEW के इन 10 रेसलर्स और एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स सामने आए हैं, जो हमें बताते हैं कि ये रेसलर्स और ये एम्प्लॉयज AEW के साथ कितनी देर तक रहने वाले हैं। और इससे ज्यादा AEW रेसलर्स और AEW एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम AEW के हर एक रेसलर और हर एक एम्प्लॉय के बारे में बात नहीं करने वाले। तो गाइज हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं AEW ऑफिशियल ब्रायन रेंसबर्ग, जो कि फिलहाल तो AEW कंपनी में एक रेफरी का रोल करते हैं। पर AEW कंपनी ज्वाइन करने से पहले ब्रायन रेंसबर्ग इंडिपेंडेंट रेसलिंग सर्किट में रेफरी का रोल करते थे और ब्रायन रेंसबर्ग ने PWG और चिकारा जैसे रेसलिंग कंपनियों के लिए काम किया है। पर रेंसबर्ग ने अपना मेन टेलीविजन डेब्यू AEW कंपनी के साथ किया और जब 2019 में AEW कंपनी बनी तब ब्रायन रेंसबर्ग ने AEW कंपनी के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन कर ली थी। और ब्रायन रेंसबर्ग की AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट डील तो सामने नहीं आई कि रेंसबर्ग AEW कंपनी से साल के कितने पैसे कमा रहे हैं। पर जहां तक बात है ब्रायन रेंसबर्ग की AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट की, तो गाइस ब्रायन रेंसबर्ग का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगस्त 2021 में खत्म होने वाला है और अगस्त 2021 के बाद ब्रायन रेंसबर्ग एक फ्री एजेंट होने वाले हैं, जिसके बाद भी मुझे लगता है कि AEW कंपनी रेंसबर्ग को दोबारा से अपनी कंपनी में साइन कर सकती है। लेकिन गाइस आगे हमारी इस लिस्ट में AEW कंपनी के ब्रॉडकास्ट टीम मेंबर टोनी शिवानी आते हैं, जो कि करंटली AEW कंपनी में एक कमेंटेटर के साथ साथ एक बैकस्टेज इंटरव्यूअर का भी रोल करते हैं। और AEW कंपनी ज्वाइन करने से पहले टोनी शिवानी ने WCW कंपनी के लिए भी काम किया था, पर WCW कंपनी बंद होने के बाद टोनी शिवानी ने अपने कुछ अपीयरेंस इंडिपेंडेंट रेसलिंग और TNA कंपनी में भी दी है। लेकिन WCW कंपनी खत्म होने के बाद करीब करीब 18 साल बाद टोनी शिवानी दोबारा से TNT नेटवर्क पर AEW कंपनी के ब्रॉडकास्ट टीम मेंबर के तौर पर ज्वाइन हो चुके हैं। और टोनी शिवानी ने साल 2019 में AEW कंपनी के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन की थी और यहाँ पर भी टोनी शिवानी के AEW कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट डील के पैसे सामने नहीं आए। पर टोनी शिवानी का AEW कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2022 में एक्सपायर होने वाला है, जिसके बाद टोनी शिवानी रेसलिंग इंडस्ट्री में एक फ्री एजेंट हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि AEW टोनी शिवानी को दोबारा से अपनी कंपनी में साइन कर सकती है। पर हमारी लिस्ट पर आगे AEW के एक और ब्रॉडकास्ट टीम मेंबर जिम रॉस आते हैं, जो कि करंटली AEW कंपनी में हेड कमेंटेटर की पोजीशन पर है। और कभी कभार जिम रॉस भी AEW कंपनी के रेसलर्स के बैकस्टेज में इंटरव्यू लेते हैं। पर गाइज AEW कंपनी ज्वाइन करने से पहले जिम रॉस WWE कंपनी के लिए काम करते थे और जिम रॉस ने WWE कंपनी में WWE के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एरा एटीट्यूड एरा में भी काम किया है। और जिम रॉस को रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमेंटेटर में से भी एक कहा जाता है। लेकिन गाइज WWE कंपनी छोड़ने के बाद AEW कंपनी के शुरुआत से ही जिम रॉस ने AEW कंपनी ज्वाइन की थी और जिम रॉस ने AEW कंपनी के साथ साल 2019 में एक मल्टी ईयर डील साइन की थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें जिम रॉस के AEW के कॉन्ट्रैक्ट की, तो गाइज रिपोर्ट्स हमें बताती है कि जिम रॉस को AEW कंपनी से 1 मिलियन पर ईयर की सैलरी मिलती है, जो देखा जाए तो किसी भी ब्रॉडकास्ट मेंबर के लिए काफी ज्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें जिम रॉस के AEW के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट की, तो गाइज जिम रॉस का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साल 2022 के मई में खत्म होने वाला है, जिसके बाद हमें शायद ही जिम रॉस AEW कंपनी के साथ रिसाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जिम रॉस ने हाल ही में कहा है कि जिम रॉस का ये AEW कंपनी के साथ उनका आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन गाइज आगे हमारी इस लिस्ट में AEW के रेसलर्स आते हैं, जिनमें सबसे पहली है AEW की फीमेल रेसलर शाना, जिन्हें आपने बहुत देर से AEW के टेलीविजन पर नहीं देखा होगा, क्योंकि गाइज इस पैंडेमिक के चलते शाना AEW के टेलीविजन पर अपीयर नहीं हो पाई। पर हाल ही में शाना ने AEW के डार्क शो पर अपना कमबैक किया है,
और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाना ने AEW कंपनी ज्वाइन करने से पहले जापान की विमेंस रेसलिंग प्रमोशन में भी काम किया है, जहां पर AEW के रेसलर केनी ओमेगा की शाना के ऊपर नजर पड़ी और केनी ओमेगा के थ्रू शाना भी AEW कंपनी में आ पाई और शाना ने साल 2019 के आखिर में AEW कंपनी के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन कर ली थी। और फिर एक बार यहां पर शाना के AEW कंपनी के साथ डील के पैसे सामने नहीं आए, पर गाइज रिपोर्ट्स हमें ये बताती है कि शाना का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साल 2020 के नवंबर महीने के आसपास खत्म होने वाला है, जिसके बाद शाना रेसलिंग इंडस्ट्री की एक फ्री एजेंट बनने वाली है और क्या पता प्रोबेबली AEW कंपनी शाना को दोबारा से अपनी कंपनी में रिसाइन करे। लेकिन गाइज हमारी इस लिस्ट में आगे आते हैं AEW के बैड बॉय जोई जेनेला, जिन्हें आपने हाल ही में AEW के डायनामाइट शो पर देखा होगा। और आपको ये भी पता होगा कि AEW के हार्डकोर रेसलर्स में जोई जेनेला की गिनती होती है, पर गाइज AEW कंपनी ज्वाइन करने से पहले जोई जेनेला काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग शोज पर काम करते थे, जिसके बाद जोई जेनेला इंडिपेंडेंट रेसलिंग के सबसे बड़े पेपरव्यू ऑल इन का हिस्सा बने और ऑल इन पेपरव्यू के बाद AEW के डबल और नथिंग पेपरव्यू में अपनी अपीयरेंस देने के साथ ही जोई जेनेला ने AEW कंपनी के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन की थी, जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जोई जेनेला AEW कंपनी के साथ साथ इंडिपेंडेंट रेसलिंग शोज पर भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पर भी ये रिवील नहीं हुआ कि जोई जेनेला का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट कितने पैसों का है। लेकिन गाइज जोई जेनेला का AEW कॉन्ट्रैक्ट साल 2022 के मई में खत्म होने वाला है, जिसके बाद जोई जेनेला फिर एक बार से रेसलिंग इंडस्ट्री के फ्री एजेंट होने वाले हैं। पर मुझे लगता है कि AEW प्रोबेबली जोई जेनेला को फिर एक बार अपने कंपनी में साइन कर सकती है। पर गाइज आगे हमारी लिस्ट पर आते हैं AEW के मॉन्स्टर लांस आर्चर, जो कि करंटली AEW के डायनामाइट शो पर एक बहुत ही मेजर स्टोरीलाइन का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन AEW कंपनी ज्वाइन करने से पहले लांस आर्चर NJPW कंपनी में काम करते थे और वहां पर लांस आर्चर ने अपने आप के लिए काफी बड़ा नाम बना लिया था और वहीं पर हमें पहली बार लांस आर्चर और जॉन मॉक्सली के बीच में भी एक मैच देखने को मिला था। पर वही लांस आर्चर का NJPW के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हमें सरप्राइजिंगली लांस आर्चर और जैक द स्नेक रॉबर्ट AEW के डायनामाइट शो पर आते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद साल 2019 के फरवरी महीने में लांस आर्चर ने AEW कंपनी के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन कर ली थी। और लांस आर्चर के भी AEW के कॉन्ट्रैक्ट डिटेल सामने नहीं आए कि लांस आर्चर को AEW की तरफ से कितने पैसे मिल रहे हैं। लेकिन गाइज लांस आर्चर का फिलहाल का AEW कॉन्ट्रैक्ट साल 2022 के फरवरी महीने में खत्म होने वाला है, जिसके बाद लांस आर्चर दोबारा से एक फ्री एजेंट बन सकते हैं। पर मुझे लगता है कि AEW कंपनी लांस आर्चर को अपने कंपनी में दोबारा से जरूर साइन करेगी। गाइज हमारी लिस्ट में आगे आते हैं AEW के फास्टेस्ट राइजिंग सुपरस्टार, जो कोई और नहीं बल्कि MJF है, जिन्हें प्रोबेबली AEW कंपनी ज्वाइन करने से पहले कोई नहीं जानता था। पर गाइज AEW कंपनी ज्वाइन करने से पहले MJF काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग शोज का हिस्सा थे, जिसके बाद कोडी रोड्स के सहारे MJF भी AEW कंपनी में आ पाए और कंसिस्टेंटली AEW के कई सारे शोज पर अपीयर होने के बाद MJF ने AEW कंपनी के साथ साल 2019 में एक मल्टी ईयर डील साइन कर ली है। और अब तक के हर एक रेसलर के तरह ही MJF के भी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल सामने नहीं आई है कि MJF ने AEW कंपनी के साथ सालाना कितने पैसों की डील साइन की है। लेकिन गाइस करंट रिपोर्ट्स के अनुसार MJF का AEW कॉन्ट्रैक्ट साल 2024 में खत्म होने वाला है, जिसके बाद प्रोबेबली MJF रेसलिंग इंडस्ट्री के बहुत ही हॉटेस्ट फ्री एजेंट बन सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि AEW कंपनी MJF को अपने हाथ से जाने देगी। गाइस आगे हमारी लिस्ट पर आते हैं AEW के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट में से एक द यंग बक्स, जो कि फिलहाल के AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस है। पर AEW कंपनी ज्वाइन करने से पहले या कहूं AEW कंपनी शुरू करने से पहले यंग बक्स काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग शोज में काम करते थे और यंग बक्स ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग में भी काफी बढ़िया काम किया है, जिसके बाद ऑल इन पेपरव्यू की सक्सेस देखते हुए यंग बक्स ने आगे चलकर AEW कंपनी शुरू की। जो स्टोरी अगर आप जानना चाहते हैं तो गाइज आपको ऊपर आए हुए आई बटन पर हमारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप वो स्टोरी एंजॉय कर सकते हैं। और AEW कंपनी शुरू होने के बाद यंग बक्स AEW कंपनी के सबसे पहले और सबसे मेजर साइनिंग में से एक थे और यंग बक्स ने साल 2019 में AEW कंपनी के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन की है। और करंटली रिपोर्ट्स हमें बताती है कि यंग बक्स ने AEW कंपनी के साथ 1 मिलियन पर ईयर फॉर ईच का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिससे कि यंग बक्स के दोनों ही मेंबर्स यानी कि मैट जैक्सन और निक जैक्सन दोनों ही सालाना AEW कंपनी से 1 मिलियन की सैलरी लेते हैं। पर जहां तक बात है यंग बक्स के AEW के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट की, तो गाइज यहाँ पर एक कंफ्यूजन करने वाला पार्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर माना ऐसा जा रहा है कि यंग बक्स ने AEW कंपनी के साथ 5 साल की डील साइन की है। लेकिन यंग बक्स ने एक बार BTE पर टीज किया था कि यंग बक्स ने
AEW कंपनी के साथ 4 साल की डील साइन की है, जिससे ये बहुत ही कंफ्यूजन है कि यंग बक्स का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होने वाला है। पर फिर भी अगर यहाँ पर हम देखें तो फिर यंग बक्स का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 2023 या फिर जनवरी 2024 में खत्म होने वाला है। लेकिन गाइज हमारे लिस्ट पर आगे AEW के एक और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कोडी आते हैं, जो कि फॉर्मर AEW TNT हेवीवेट चैंपियन है और करंटली उनकी राइवलरी टीम टैज के साथ चल रही है। पर AEW कंपनी शुरू करने से पहले कोडी WWE कंपनी का हिस्सा थे, जहां पर उनके बैड बुकिंग के चलते कोडी ने WWE कंपनी छोड़ दी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जाकर खुद को नए तरीके से क्राफ्ट करने के बाद यंग बस के साथ मिलकर किए गए ऑल इन पेपर्यू की सक्सेस को देखकर आगे चलकर कोडी ने भी AEW कंपनी शुरू की। और कोडी भी AEW कंपनी के शुरुआती साइनिंग में से एक थे, जहां पर उन्होंने साल 2019 में AEW कंपनी के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन की है। और जहां तक बात है कोडी के AEW कंपनी सैलरी की, तो गाइज रिपोर्ट्स हमें बताती है कि कोडी करंटली AEW कंपनी से 3 मिलियन पर ईयर की सैलरी ले रहे हैं, जो देखा जाए तो बनती भी है क्योंकि कोडी AEW के कई सारी चीजों को मैनेज करते हैं। पर वही अगर हम बात करें कोडी के AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट की, तो गाइज कोडी का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 2024 में खत्म होने वाला है, जिसके बाद कोडी रेसलिंग इंडस्ट्री के एक फ्री एजेंट बन सकते हैं, जिसके बाद पता नहीं कोडी AEW कंपनी के साथ एक रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या नहीं, क्योंकि कोडी ने कहा था कि आगे चलकर कोडी AEW कंपनी में कुछ डिफरेंट काम करना चाहते हैं। लेकिन हमारी लिस्ट पर आगे आते हैं करंट AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा, जो फिलहाल तो रेसलिंग इंडस्ट्री के काफी बढ़िया रेसलर्स में से एक है और वो AEW कंपनी के साथ साथ इंपैक्ट रेसलिंग में भी काम कर रहे हैं। पर गाइज AEW कंपनी ज्वाइन करने से पहले केनी ओमेगा न्यू जापान प्रो रेसलिंग में काम करते थे, जहां पर साल दर साल कम्पीट करते हुए केनी ओमेगा वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर बन चुके थे। और केनी ओमेगा का न्यू जापान प्रो रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद सब लोग देखना चाहते थे कि केनी ओमेगा किस कंपनी में जाते हैं, AEW जैसे नए कंपनी में या फिर WWE कंपनी में। पर AEW कंपनी के डबल और नथिंग पेपर-व्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में AEW ने रिवील किया कि केनी ओमेगा ने AEW कंपनी के साथ एक डील साइन कर ली है और केनी ओमेगा का AEW कॉन्ट्रैक्ट एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। और यही हमें कुछ रिपोर्ट से बताती है कि गाइज केनी ओमेगा का AEW कॉन्ट्रैक्ट करीब करीब 3 मिलियन पर ईयर की सैलरी का है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें केनी ओमेगा के AEW के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट की, तो गाइज केनी ओमेगा का AEW कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 2023 में खत्म होने वाला है, जिसके बाद केनी ओमेगा रेसलिंग इंडस्ट्री के मार्केट में दोबारा से एक बहुत ही बड़े फ्री एजेंट बन सकते हैं। लेकिन गाइज हमारे लिस्ट में आगे आते हैं AEW की एक और बहुत ही बढ़िया टैग टीम, जो कि है FTR, जिन्होंने डबल और नथिंग पेपर-व्यू के बाद के डायनामाइट शो पर अपनी अपीयरेंस देकर पूरे के पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। और उसके बाद तो FTR AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस भी बने। पर AEW कंपनी में आने से पहले FTR WWE कंपनी में द रिवाइवल नाम के अंडर काम कर रहे थे, जहां पर द रिवाइवल को उस तरीके से परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला जिस तरीके से रिवाइवल करना चाहती थी। इसलिए WWE कंपनी छोड़कर जाने के बाद FTR AEW कंपनी में आ गई और अपने AEW कंपनी के शुरुआती दिनों में FTR AEW के साथ एक हैंडशेक डील के ऊपर काम कर रही थी, जिसका मतलब कि FTR AEW कंपनी के साथ वीकली बेसिस पर काम कर रही थी। पर फाइनली जुलाई 2020 में AEW के एक डायनामाइट शो पर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद FTR ने ऑफिशियली AEW कंपनी ज्वाइन की और FTR का ये कॉन्ट्रैक्ट एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके बाद तो अब FTR AEW कंपनी के साथ मल्टी ईयर डील के ऊपर काम कर रही है। पर हमें यहाँ पर यह नहीं पता कि FTR AEW कंपनी से कितनी सैलरी ले रही है। पर जहाँ तक बात है FTR के AEW कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट की, तो गाइज FTR का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जुलाई 2022 में खत्म होने वाला है, जिसके बाद दोबारा से FTR किसी भी और रेसलिंग प्रमोशन में जाने के लिए टोटली फ्री है। लेकिन गाइज हमारी लिस्ट पर सबसे आखिरी सुपरस्टार आते हैं AEW के डेमो गॉड क्रिस जेरिको, जो कि AEW कंपनी के फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी रह चुके हैं। लेकिन गाइज AEW कंपनी में आने से पहले क्रिस जेरिको ने WCW और WWE कंपनी में काम कर अपने आप के लिए काफी बड़ा नाम बना लिया था। और सरप्राइजिंगली WWE कंपनी छोड़कर न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जाने के बाद क्रिस जेरिको ने फाइनली AEW कंपनी ज्वाइन की और तब तक क्रिस जेरिको AEW कंपनी के सबसे बड़े साइनिंग में से एक थे। और जेरिको ने साल 2019 के स्टार्ट में AEW कंपनी के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन कर ली, जहां पर रिपोर्ट्स हमें ये बताती है कि गाइस क्रिस जेरिको का AEW कॉन्ट्रैक्ट 3 मिलियन पर ईयर की सैलरी का है।
और क्रिस जेरिको ने तो ये भी कहा था कि क्रिस जेरिको का ये कॉन्ट्रैक्ट उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। पर वही अगर हम बात करें क्रिस जेरिको के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट की, तो गाइस क्रिस जेरिको का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साल 2022 के मई महीने में खत्म होने वाला है, जिसके बाद क्या पता क्रिस जेरिको AEW कंपनी के साथ एक रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या नहीं। क्योंकि क्रिस जेरिको ने भी कहा था कि क्रिस जेरिको का ये कॉन्ट्रैक्ट उनके रेसलिंग करियर का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, जिसके बाद हमें प्रोबेबली क्रिस जेरिको AEW कंपनी में कमेंट्री करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में इतने ही AEW रेसलर्स है जिनके कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट सामने आई है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?